हाय वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। इस वक्त हो रहे हैं 3, हाँ 3, और हमारे पास लाइट नहीं है क्योंकि अब फिर से लोड शेडिंग शुरू हो गई है। सर्दियों में इतनी लोड शेडिंग हो रही है तो फिर गर्मियों में पता नहीं क्या हाल होगा। और आज एक बहुत अनोखी चीज़ हो गई है जो कि आई कॉन्ट अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो रहा है, और वो हो रहा है ये कि घर में खाना बन रहा है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल यार? ये पॉसिबल ऐसे ही कि देखो, मुझे 2 दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है, क्लिनिक से, और ना सैटरडे वाले दिन फिर मेरा दिल भी करता है थोड़ा उठ के मैं काम शाम कर लूँ, थोड़ा सा घर को देख लूँ और खाना वाना बना लूँ जरा क्योंकि पूरा हफ्ता हम लोग बाहर का खा रहे होते हैं तो एक टाइम का तो अब घर का पता ही है, जबकि रोज करना चाहिए खाना। और ये मिस्टर आइस जो है ना, आलू खिला रही हूँ ताकि मेरा बेबी थोड़ा सा सेहतमंद हो, है ना बेबी, इसकी बस आप फुर्तीलियां चेक करें। अच्छा, ये शू रैक की जो एक्चुअल प्लेस है वो ये है, लेकिन ये मिस्टर आइज है ना, इसमें हाथ मारता है। चलें चेक करते हैं खाने में क्या बन रहा है। हाँ जी, क्या बन रहा है खाने में? आप दिखा दें क्या बन रहा है। देखें, मैंने बनाया है सालन चिकन का, ये देख लें, और इसके साथ मैंने ये राइस बनाए हैं, जीरा राइस। बस आइस को मैं तैयार करती हूँ, उसे खाना वाना खिलाती हूँ। क्या क्या काम है आज हमें? आज हमें जो है हमें गुलबर्ग जाना है, अपना वो चेयर लेना है अब्दुल्ला जैसी, जो कि टेबल के साथ ही रखते हैं। वो इसलिए लेनी है क्योंकि मोस्टली कभी कभी मैं भी अब्दुल्ला के साथ आके बैठ जाती हूँ काम वाम करने लैपटॉप पे, तो वो चेयर लेनी है हमें। और दूसरा ये कि हमें क्या करना है आज, और दूसरा ये कहना हमें यहाँ के लिए एक लाइट लेनी है, स्टैंडिंग लाइट, क्योंकि हम इस जगह को जो है ना अपना मतलब के स्टोरी टाइम के लिए एक जगह बना रहे हैं, वीडियोस बनाने के लिए। तो यहाँ पे यहाँ से एंगल सेट होगा, ये पीसी यहाँ चला जाएगा, पीछे वहाँ पे एक लाइट आएगी जो कि वो वाइट बैकग्राउंड को चेंज करेगी, और यहाँ पे 2-3 फ्रेम्स आएंगे, और ये जो सामान है सारा ये उतर जाएगा, यहाँ पे ये प्लेन हो जाएगा, और उसके अलावा जो है यहाँ पे एक और चेयर आ जाएगी। अभी एक ये चेयर है, ऐसी एक और आ जाएगी, तो ये एक सेटअप बन जाएगा। क्योंकि न्यू ईयर की रेजोल्यूशन में हमने अपना एक ये भी शामिल किया है कि हम अब थोड़ा और कंसिस्टेंट होंगे, और मतलब के ना डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस लाएंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो किस तरह की वीडियोस होंगी। और आज हम एक न्यू कैफे भी एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है डिकोमो, जिसको अब्दुल्ला कहते हैं कोकोमो, तो वहां जाएंगे और कैफे कोकोमो जिंदाबाद। डिकोमो या कोकोमो जो भी है, खाना ही होता है ना यार। ये जो अभी कैफे डिकोमो है, इसका हम प्लान कोई एक महीने से कर रहे हैं जो कि आज पॉसिबल होने वाला है इंशाल्लाह, होपफुली कोशिश करेंगे। और इसके अलावा मेरी फ्रेंड का मैसेज आया हुआ था कि एक फेस्टिवल हो रहा है तो वहाँ भी हम चले जाएंगे, अपनी फ्रेंड से मिल लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं मिल पाई थी मैं उससे, तो यस। और क्योंकि वो ज़रा आउट ऑफ सिटी होती है तो उनसे मिलना ज़रा मुश्किल है। आइज फ्लैश इतनी आँखों में पड़े कि नज़र कुछ नहीं आ रहा। चलें जी, फिर मिलते हैं मार्केट में जहाँ से चेयर लेनी है। बाय बाय। हाँ जी, तो खाना हिज हेयर, ये है चिकन और चावल, और ये है अचार आ रहा है, और ये है आइस। थोड़ा सा हमारे छोटे मियाँ सो रहे हैं आइस, और यहाँ जो है मैं तैयार हो रही हूँ। जब मैं तैयार होती हूँ तो ये सारा गंद फैला हुआ होता है, और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा हेयर स्टाइल कैसा बनाया जाए, और ऐसे ही लग रहा है। इसके साथ ये ड्रेस है, एंड ये इसके साथ मैंने इयर रिंग्स पहने हैं। मिलती हूँ मैं आपसे प्यार। हाँ, कैफे कोकोमो इसके साथ आपके साथ मेरी हालत देखो, तुम क्या दिखा रहे? अच्छे तो लग रहे। मैं तो नहीं जा रहा। चलो फिर मैं खुदा के लिए जा रही हूँ, इतना तैयार हुई हूँ। I'm not leaving my cozy blanket. But you already did. मैं उसमें वापस जा रहा हूँ ना अभी। खैर, हम लोग जा रहे हैं, और अभी फिर मैं आपको गाड़ी में मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो हम लोग निकल आए हैं, और एज यूजुअल पता नहीं क्यों हमारी किस्मत ही अजीब है। खैर, तो प्लान था हमारा कि हम डिकोमो जाएंगे चेयर लेके, लेकिन हम लोग अभी चेयर लेने तो जा रहे हैं, लेकिन टाइम जो है वो 7 हो रहे हैं, और जो फेस्टिवल है जहाँ मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के पास, वो होगा कोई 10 बजे तक, तो इसीलिए फिर प्लान हमारा डिकोमो का कैंसिल हो गया, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा वापस
वापस आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और अब्दुल्ला को मैंने बोला कि यार चलो तैयार हो जाओ, बेचारा तैयार हुआ था, अच्छा खासा लेटा हुआ था, फजूल में तैयार करवाया, अब वापस जाके मुझे वापस घर ही जाना पड़ेगा अकेले। भाई देखिए मैं तो कह रही थी कि चल लेते हैं डीकोमो खा पी लेते हैं, लेकिन टाइम का इशू है ना, मसला यही है सारा कि टाइम नहीं बचा हमारे पास। चलो कोई नहीं, मैं आज अलोन पार्टी करूँ। क्या करोगे तुम? बैचलर्स पार्टी। नहीं बैचलर्स पार्टी को गलत सोचा जाता है, वो वाली बैचलर्स पार्टी नहीं, मतलब साफ बैचलर्स पार्टी। खैर देखते हैं, अब जा रहे हैं चेयर लेने, और चेयर लेके फिर वापस आते हैं, देखते क्या टाइम होता है, और मैं अपनी फ्रेंड से भी बात कर लेती क्या सीन है क्या नहीं। तो वी आर हियर एट फर्नीचर मार्केट, तो मैं जाता हूँ लेके आता हूँ ज़रा। मार्केट तो आ गया हूँ, लेकिन ये लोग बहुत महंगी हो गई हैं चेयर। यही चेयर मैंने कुछ काफ़ी टाइम पहले ली थी, कोई 8-9 हज़ार की आई गेस, 6,000-8,000 की आई गेस, और अब ये 16,000 के बेच रहे हैं, काफ़ी महंगी हो गई। वो दो चेयर्स हैं, अब तुम खुद चेक कर लो कौन सी कंफर्टेबल, लेकिन महंगी हो गई हैं चेयर्स बहुत। कितने की है? 16,000। पिक्चर भेज दो अंदर से। बैठ के कंफर्ट चेक करना ना, तुमने बैठना है ना उस पे। चलो फिर मैं आती हूँ, फिर इसको पकड़ लो। चेयर हफ्सा के लिए लेनी है, तो आई गेस ये खुद ही बैठ के देख ले। ये अच्छी है, ये छोटी नहीं है, इसका वो है नहीं, नीचे से बड़ा करना है। वो वाली देखो, वही ले लेते हैं, मैचिंग होते हैं। ये वाली डन हो गई है, बिल बना दूं आपको। बस ठीक है, चलें कोई नहीं। हाँ जी, तो चेयर हो गई, चेयर आ गई हमारी फाइनली, और अब हम और हम लेट हो रहे हैं। हाँ थोड़ा सा जैनब की जो कॉल आ रही थी, वो कॉल कर रही है, मैंने उठाई नहीं उस टाइम, क्योंकि मुझे पता था मुझे गालियाँ देगी गालियों से बच के बचने के लिए मैंने कॉल नहीं उठाई इसकी। तो अभी बस चलते हैं फेस्टिवल की तरफ। चलें जी, लेट्स गो नाउ। ये देखो ना कि महंगाई कितनी हो गई है यार, यही चेयर मैंने आई गेस 2 साल पहले 6,000 रुपए की ली थी, और अभी यही चेयर हम 13,500 की लेके आए, डबल से भी ज़्यादा 2 साल में। यहाँ पे चाय ले ली है अब्दुल्ला ने, और अभी जो है अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और यहाँ पे हमने क्लोथ्स हैंग करने के लिए एक स्टैंड होता है वो भी ले लिए, तो क्योंकि सारे कपड़े वगैरह जो भी हैंग करने वाले थे वो आइस के कोर्ट में जा रहे होते हैं, तो सोचा कि अब जो जितने भी कपड़े हैं वो उनके लिए स्टैंड होना चाहिए, और वो कॉट हम भी सेल कर दें, क्योंकि वो अभी यूज़ का तो है नहीं, तो इसीलिए बस सोच रहे हैं कि बस सारी। वैसे हमें इस पर भी एक वीडियो बना लिया है ना, जब आपका फर्स्ट बेबी हो या जब आप न्यू घर सेट कर रहे हो, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किन की नहीं पड़ती, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें फजूल में ली हुई हैं जिनका कोई यूज़ ही नहीं है। तो इसकी वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह सून, और आप लोग के लिए वो बड़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो इसीलिए हम अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करेंगे। तो बस अभी जा रहे हैं अपना फेस्टिवल की तरफ, और मिलती हूँ मैं आपसे फेस्टिवल पर फिर। हाँ जी, पैसे डन, इट्स कॉन्फिडेंशियल। इसको भी करो ना कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल कैसे करो इसको, इतनी बड़ी चीज है ये, इसको कहाँ मैं छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं आपको? हाँ छुपा दो यार, कहाँ छुपाऊं, मामा तंग आ गई है। चले बस चलते हैं, वैसे ही बड़ा लेट हो गया। जैनब ने ना गालियां देनी है, 9 बजे आ रही हो, 7:30 का बोला था। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ फेस्टिवल पे आ गए, और आप देख सकते हैं कितना रश है, हर कोई आया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पार्किंग की जगह मुझे नहीं लगता मिलेगी,
क्योंकि बहुत ज्यादा रश फुल भरा हुआ है। मैं तो अब्दुल्ला को भी कह रही हूँ कि वो चल रहे हमारे साथ, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं तुम अपनी फ्रेंड के साथ होगी, मैं क्या करूंगा। अभी इनका प्लान चेंज हो गया, अभी कह रहे हैं मुझे जाऊंगा अभी खाने कुछ। ठीक है आ जाओ। हाँ जी, तो हम लोग निकल आए हैं और बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ पार्किंग की जगह मिली है। तो अब हम जा रहे हैं अपना फेस्टिवल की तरफ। सस्ते सिंगर हैं। सस्ते सिंगर हैं यहाँ पे। लास्ट ईयर भी जब हम आए थे सर सस्ते सिंगर। खाना आ गया हमारा और यहाँ जाने में। तो हम लोग आ गए यहाँ फेस्टिवल पे और अभी तो थोड़ी देर पहले हमने खाना वाना खाया है। तो अभी मैं जैनब के साथ हूँ, ये मेरी फ्रेंड। कैसा लग रहा है आपको ब्लॉग में? हाँ अच्छा लग रहा है। अभी तो मिले हम लोग थोड़ी देर पहले, घंटा हो गया। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग। और हम लोग कब से मतलब कि हम कब से डिसाइड कर रहे थे मिलने का, लेकिन हमारा मिलना हो नहीं रहा था। तो अब फाइनली हम मिल रहे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा। फाइनली बहुत महीनों के बाद, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं लाहौर में नहीं हो रही हूँ आजकल, तो बहुत सालों बहुत महीनों बाद मिल रहे हैं। और हर बार जब भी मिलने का प्लान होता है कैंसिल हो जाता है। तो नाउ वी आर हियर। बहुत बिजी हो गए ना, बड़े लोग हो गए इसीलिए। यस डेफिनेटली। चलो सबसे पहले सब अपने लिए क्लैप कर दें एक बार, सब जो जो देख रहे हैं। हम इवेंट से वापस आ गए और एक अच्छी बात यह है कि ना हमारे घर के पास यहाँ पे कोस्टा कॉफी खुल गया और आई गेस टिम हॉर्टन्स भी खुलने वाला है। तो पहले हमारे पास कम ऑप्शंस होते थे, सिर्फ ग्लोरिया जीन्स वगैरह सेकंड कप थे, लेकिन कोस्टा कॉफ़ी एक अच्छा कॉफ़ी शॉप है जो कि यहाँ पे अभी खुल गया। मैं बता रही थी कि यहाँ पे ना एक अंकल थे जो कि हमारे साथ ही अंदर एंटर होना चाह रहे थे, लेकिन फिर उनको बोला कि ना कह रहे थे, जैसे हमें बोला हमने कि बंद हो गया, और वो कह रहे थे कि 11 बजे तक नहीं होता। तो उन्होंने बोला नहीं, बस क्लोजिंग टाइम हमारा जो है ना होने वाला है। तो उन्होंने बोला तो वो थोड़े गुस्से में लग रहे थे, गुस्से में भी नहीं थे, मतलब सही थे, सरकास्टिक। हाँ सरकास्टिकली कह रहे हैं, तो इससे तो अच्छा फिर बंद कर दो, न्यू ईयर पे खोला हुआ नहीं है। वो चले गए वहाँ से और हम लोग। असल में सीन ये है ना कि क्या नाम है, अभी गवर्नमेंट ने ना बैन लगाया हुआ है उस पर, 8 बजे पता नहीं या 10 बजे हर चीज़ बंद कर देते हैं। अब लोग निकलते ही रात को 8 बजे बंद कर देंगे, तो फिर उस टाइम जो है ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन तो होगी। हमें भी कल याद है हम कहाँ गए थे, KFC पे गए थे ना। कल KFC पे गए थे, जैसे ही ड्राइव थ्रू में घुसने लगे बंद हो गया। सामने एक आंटी भी आ रही थी KFC में ड्राइव थ्रू में गाड़ी में, वो भी गुस्से में कुछ बोल रही थी, पड़ाती गालियाँ ही दे रही होगी वो, पता नहीं वो क्या कह रही थी। लेकिन चलें फिर कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। कॉफ़ी में इतनी देर तभी तो कॉफ़ी आ गई है, और ये कॉफ़ी जो है ना ग्लोरिया और सेकंड कप वगैरह से थोड़ी एक्सपेंसिव है, थोड़ी सी ज़्यादा। वैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत अच्छी कॉफ़ी होगी, लेकिन बहुत बकवास। इससे अच्छा तो ग्लोरिया जींस की कॉफ़ी। हमने आयरिश लाटे ली थी, लेकिन बिल्कुल मज़े की नहीं है। तुमने तो अभी ट्राई नहीं की ना? असल में बात ये है कि कोस्टा कॉफ़ी, क्योंकि ये बाहर का ब्रांड है, तो हमने एक्सपेक्ट, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं कि अच्छी कॉफ़ी होगी, सारे ब्रांड से ज़्यादा अच्छी इनकी कॉफ़ी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन सारी एक्सपेक्टेशंस पानी में चली गई। तो भाई ये हमारी चेयर साफ़ हो रही है, एक चेयर ऑलरेडी अब्दुल्ला की पड़ी है यहाँ पे, और ये आज मेरी चेयर आ गई है। और साथ में हमने जो है ये भी लिया है, क्योंकि आपको जैसे बताया था सारे कपड़े इधर उधर रुल रहे होते हैं, तो हमने ये क्लोथ्स के लिए, क्लोथ्स हैंग करने के लिए स्टैंड ले लिया। एक मैंने कहा ये चेयर मैं ले लूं, तुम वो वाली ले लो पुरानी। क्यों भाई? वो घिसी पिटी चेयर मुझे दोगे? हाँ साफ मैं कर रहा हूं ना इसलिए। ये साफ करने वाला क्या सीन है ब्रो? और आयुष हमारा यहाँ पे बैठा है। तुम्हें तो वैसे भी इसका बैक लग रहा था ना। तो उसका नहीं लगेगा, दोनों सेम चेयर है। नहीं सेम नहीं है। नहीं सेम है। हाँ जी, तो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई बेड, और आप से शायद सो गई है, और इस टाइम 2:30 हो रहे हैं रात के। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और कल मुझे उठना है, बाल कटवाने हैं, क्योंकि आई नो दे लुक वेरी बैड। मेरी बियर्ड भी अच्छी नहीं लग रही, सेटिंग करवानी है थोड़ी।
तो या विल कैच विथ द न्यू व्लॉग, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो के आपको ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।